इस फिल्म की कहानी जॉनसन के बचपन पर बेस्ड है, जिसका नाम रॉजर है, अपने ही घर की सारी लेडीज के साथ इंटीमेट होता है और उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है। अब ये लड़का आगे क्या क्या करेगा ये हम आगे इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, जिसका नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स। सो लेट्स स्टार्ट अ मूवी। मूवी के स्टार्ट होते ही हम छोटे जॉनसन को देखते हैं, जो समर वेकेशन में अपने घर आया हुआ था। उसकी माँ ने अपनी एक मेट मिस सपीते को उसे लाने के लिए घोड़ा गाड़ी पर भेजा था। रास्ते में रॉजर मिस सपीते को गलत नजरों से देखता है, जिसकी वजह से उसकी पैंट गंदी हो जाती है। वो भी समझ जाती हैं और रॉजर को एंजॉय करने देती हैं। देन ये लोग घर पहुंच जाते हैं। उसकी पूरी फैमिली उसका वेलकम करती है। उसकी गंदी पैंट को देखकर उसकी माँ कहती है कि ये क्या हुआ, तो रॉजर कुछ नहीं बोलता। देन उसकी मौसी उसकी गंदी पैंट साफ कर देती है। रॉजर फिर अपनी छोटी बहन बर्ता से मिलता है। बर्ता उसे घुमाने के लिए जंगल में लेकर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात दोबारा मिस सपीते से होती है। बातें करते हुए मिस सपीते को ससु आ जाता है और वो वहीं शुरू कर देती है। रॉजर ये सब देखकर सोचता है और बहुत हैरान होता है कि उसे इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है। देन वो वहाँ से चला जाता है। भागते हुए उसका पैर स्लिप हो जाता है। उसे उस जगह पर ऐसा फील होता है कि कोई लड़की हंस रही है। वो पास जाकर देखता है तो उसके घर की एक मेट उर्सुला किसी बंदे के साथ इंटीमेट हो रही होती है। देन उर्सुला उसे देखकर स्माइल करती है और रॉजर वहाँ से भाग जाता है। रात को डिनर के बाद रॉजर अपने रूम में सोने के लिए जाता है, तभी उसे बर्तनों के खड़कने की आवाज़ आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ एक मेड हेलन इंटीमेट हो रही होती है। देन वो फ्री होकर वहाँ से चली जाती है। रॉजर अगेन रूम में आता है, वहाँ उसकी बहन बर्ता पहले से ही मौजूद होती है। बर्ता उसे उनकी मौसी मार्गरेट के बारे में बताती है कि वो अभी तक वर्जन है। रॉजर कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तो वो बोलती है कि मुझे मेड हेलन ने बताया है। नेक्स्ट बर्ता रॉजर को नदी के किनारे लेकर जाती है। वहाँ उनके घर की सारी मेट्स नहाते हुए अपने सीक्रेट शेयर करती हैं। रॉजर और बर्ता पेड़ के पीछे छुपकर उनको देखते हैं। देन तभी वहाँ से तीन दरिंदे गुजरते हैं और ये लोग भी रॉजर के घर पर काम करते थे। देन वो तीनों सुसु करते हैं। बदले में उर्सुला उन्हें स्कर्ट ऊपर करके अपनी बैग दिखाती है और ये सब बर्ता और रॉजर पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। नेक्स्ट डे रॉजर की बड़ी बहन एलिसी अपने पापा के साथ घर आती है और वो सबसे गले मिलती है, लेकिन रॉजर के सर पर सिर्फ किस करती है। रॉजर को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों। तभी बर्ता वहाँ आती है और रॉजर को अपने साथ चर्च ले जाती है। फिर ये दोनों चर्च की छत पर अपनी मौसी मार्गरेट की बातें सुनते हैं, जो चर्च के फादर के सामने अपने सिंस को कन्फेस करती है। तो फादर उससे पूछते हैं कि तुमने क्या किया है। मार्गरेट बताती है कि कुछ दिनों पहले उसका नेपियो रॉजर घर आया है और वो उससे बहुत प्यार करने लगी है। तभी वो बताती है कि वो अपने ख्वाबों में रॉजर के साथ इंटीमेट भी हुई है। ये सब सोचकर रॉजर सोचता है कि शुक्र घर में कोई तो है जिसे वो भी पेल सकता है। अब ये सब गंदी बातें सोचकर रॉजर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और नीचे फादर के पास जाकर गिर जाता है। देन फादर घर आकर उसकी माँ को सब बता देते हैं। रॉजर की माँ फादर के कहने पर मार्गरेट से उसे कोड़े पड़वाती हैं। रात को रॉजर बेड पर उल्टा लेटा हुआ होता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत दर्द हो रहा होता है। देन उसको दोबारा बर्तनों के खड़कने की आवाज़ आती है। वो बाहर निकलकर देखता है तो कोई हेलन के साथ बैग से इंटीमेट हो रहा होता है। इस बार भी उसे पता नहीं लग पाता कि दरवाजे के पीछे कौन है। दूसरी साइड मिस्टर फ्रैंक भी खड़े होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उर्सुला आती है और रॉजर को मेडिसिन देती है, लेकिन रॉजर मना कर देता है और उससे पूछता है कि वो कौन है जो हेलन के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन दिखता नहीं है। उर्सुला कहती है कि अब मेट्स का सीक्रेट है। देन रॉजर सोचता है कि आखिर मेरा नंबर कब आएगा। तभी उसे याद आता है कि मिस्टर फ्रैंक भी तो वहाँ पर खड़े होकर इंजॉय कर रहे थे। वो उनके पर वो रॉजर को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी रॉजर वहाँ से एक प्ले बॉय कॉमिक उठा लेता है और उसे अपनी पैंट में छुपा लेता है। देन वो नीचे की तरफ आता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। वो की होल में से अपने पेरेंट्स के रूम में झाँकता है, तभी वहाँ एलिसिया का फियांसे रोनाल्ड आ जाता है, जो रॉजर को झांकते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। रॉजर उससे कहता है कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को कुछ मत बताना, तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूँगा। बदले में वो रॉजर से अपनी कार भी साफ करवाता है। देन रॉजर उस कॉमिक को लेकर एक फार्म में जाता है। तभी वहाँ पर नौकर दरिंदा आ जाता है। फिर वहाँ हेलन मुर्गियों को दाना डालने आती है और वो दरिंदा हेलन को वहाँ फंसा देता है और पीछे से जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। हेलन पहले तो रॉजर को हेल्प करने को बोलती है, लेकिन बाद में उसे मना कर देती है क्योंकि वो बहुत इंजॉय कर रही होती है। जब रॉजर घर जाता है तो वहाँ एलिसी और रोनाल्ड बैठे होते हैं। रोनाल्ड रॉजर से अपने जूते साफ करने को बोलता है, लेकिन रॉजर मना कर देता है। उसके मना करने पर रोनाल्ड रॉजर की माँ को उस रात की सारी स्टोरी बता देता है। ये सुनकर रॉजर की माँ रोनाल्ड से कहती है कि मेरी दोनों बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जॉनसन का बच्चा पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया। रॉजर की माँ उसे मार कर घर से बाहर निकाल देती है। रॉजर जाते हुए वो कॉमिक अपनी बहन की बुक से एक्सचेंज कर देता है और बाहर से छुप कर अपनी बहन को वो कॉमिक पढ़ते हुए देखता है। उस वक्त रॉजर बहुत वियर्ड हो जाता है और किचन में उर्सुला को पीछे से पकड़ता है। उर्सुला समझती है कि उसे किसी नौकर ने पकड़ा है और प्लेट रॉजर के सर पर मार देती है।
देन वो देखती है तो कहती है कि ये तो अपना मास्टर रॉजर है। उर्सुला रॉजर की हालत देखकर उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। वो प्रोसेस शुरू करते हैं तभी वहाँ पर एक मोटी मेड आ जाती है और रॉजर वहाँ से भाग जाता है। अब रॉजर बुरी तरह से पागल हो चुका था। तभी उसे मिस सपीते याद आती है और वो उनके पास भूखे नंगे भेड़ियों की तरह पहुँच जाता है और इंटीमेट होता है। लेकिन वहाँ एक पोस्टमैन आ जाता है और बताता है कि वॉर स्टार्ट हो गई है, जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और रॉजर वहाँ फिर मायूस हो जाता है। नेक्स्ट डे करके सभी मर्दों को जंग में जाना था तो सब पार्टी करते हैं, लेकिन वहाँ मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि मैं जंग में नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे अस्थमा है। नेक्स्ट डे सभी मर्द जंग में चले जाते हैं। घर खाली होने के बाद रॉजर सीधा उर्सुला के पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। देन बर्ता रॉजर से कहती है कि हमारी मदर फादर के सामने कुछ कन्फेस करने वाली हैं, वहाँ जाकर देखते हैं। देन फादर के सामने अपनी मैरिड लाइफ डिस्कस करती हैं। फिर देखते हैं कि रॉजर की मेड केट नदी के किनारे बैठी होती है और रॉजर नदी में से भूखे मगरमच्छ की तरह बाहर निकलता है और केट के साथ इंटीमेट होता है। इन सब से रॉजर और कॉन्फिडेंट हो जाता है और घर की सारी लेडीज़ के साथ इंटीमेट होने का प्लान बनाता है। रात को रॉजर मार्गरेट के बेड पर जाकर लेट जाता है। मार्गरेट वहाँ आती है और रॉजर को देखकर चौंक जाती है। रॉजर उससे तरह तरह की बातें करता है। पहले तो मार्गरेट मना करती है लेकिन वो पूरी रात रॉजर के साथ स्पेंड करती है। अब यहाँ हेलेन के साथ इंटीमेट होने वाला कोई नहीं था तो वो डायरेक्ट रॉजर के रूम में आ जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अब तो रॉजर की मौज हो गई थी क्योंकि वो एक ही वक्त में घर की सारी लेडीज़ के साथ इंजॉय कर रहा था। नेक्स्ट डे रॉजर को पता लगता है कि वॉर ख़त्म हो गई थी और घर के सारे मर्द वापस आ रहे थे। अब रॉजर थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ उर्सुला आती है और बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। देन उसकी मौसी मार्गरेट भी उसे बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। ये सब सुनकर रॉजर परेशान हो जाता है कि कहीं घर में उसके कांड का किसी को पता ना लग जाए वरना उसकी माँ उसे जान से मार देगी। देन वो मार्गरेट के पास जाता है और मिस्टर फ्रैंक से शादी करने को बोलता है और मार्गरेट भी मान जाती है क्योंकि मिस्टर फ्रैंक मार्गरेट को पसंद करते थे। बाद में वो सीधा उर्सुला को शादी के लिए प्रपोज करने जाता है लेकिन उर्सुला पहले किसी आदमी को पसंद करती थी तो वो मना कर देती है। अब यहाँ रॉजर की बहन उर्सुला और मार्गरेट की शादी हो जाती है और रॉजर के कांड का किसी को पता भी नहीं लगता। उसी रात रॉजर हेलेन के साथ इंटीमेट होता है। कुछ दिन बाद हेलेन रॉजर को बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रॉजर की वेकेशंस भी ख़त्म हो चुकी थी तो रॉजर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक लड़के का इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन हेलेन उसे मना कर देती है। देन रॉजर अपने फादर के साथ वहाँ से चला जाता है और ये मूवी इसी के साथ साथ यहाँ पर एंड हो जाती है।